फोर स्टेटमेंट नोट्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो एक फोर स्टेटमेंट है, उसमें और क्या क्या हम करते हैं उनको समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो ट्राइंगल्स प्रिंट करें। तो ऐसा एग्जांपल लेने के लिए मैं ट्राइंगल टू डायमेंशनल क्वांटिटी है, इसलिए हमें दो बार लूप चलाना पड़ेगा। हम एक बार चला के भी कर सकते हैं, लेकिन हम दो बार लूप चलाते हैं। और उस लूप में क्या करते हैं, एक आई ओवर आई है, दूसरा ओवर जे है, और तीसरा वी ओवर जे है। पहला लूप है आई इक्वल टू जीरो टू एन, दूसरा लूप उसके अंदर है पहले लूप के, जो जे इक्वल टू जीरो से जे लेस देन आई तक चलता है। और तीसरा लूप भी आई वाले लूप के अंदर है, और उसमें जे इक्वल टू जीरो से वो जे इक्वल टू टू टाइम्स एन माइनस आई माइनस वन तक चलता है। यहाँ इसका आउटपुट एक इस तरह का ट्राइंगल होगा, स्टार से बना ट्राइंगल है, जिसमें मिडल में, जैसे हमने यहाँ इनपुट में 7 दिया, तो मिडल में फर्स्ट रो में 13 स्टार्स हैं और टोटल 7 रोज हैं। मतलब पहली लाइन पंक्ति में 13 स्टार हैं और कुल 7 पंक्तियाँ हैं। अब हम इसमें देखें तो यहाँ पर कुछ समझने लायक चीज़ें ये हैं कि एक तो जो कंडीशन है व्हाइल स्टेटमेंट की, जो कंडीशन है लूप कंटिन्यूएशन कंडीशन, उसमें हम एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दे सकते हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम एक नंबर ही दें, जैसे इस ऊपर वाले लूप में आई लेस देन एन लिखा है या जे लेस देन आई लिखा है, उस तरह से हम एक नंबर लें ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम एक पूरी एक्सप्रेशन भी कंडीशन के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हैं और इनिशियलाइजेशन जो है, उनमें भी हम पूरी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं यदि ज़रूरत पड़ती है तो। आगे कुछ एग्जांपल्स में हम ऐसा करेंगे भी। इसी तरह से जो इंक्रीमेंट है, यहाँ पर इंक्रीमेंट हमें ज़रूरत थी उसके अनुसार हमने प्लस प्लस लिया, मतलब एक एक इंक्रीज कर रहा है। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ हम माइनस माइनस भी ले सकते हैं, वो हमें किस तरह का अपना प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ती है, उसके हिसाब से हम माइनस माइनस भी ले सकते हैं। यदि कोई कंडीशन इनिशियली फॉल्स होती है, सत्य नहीं होती, जैसे ये कंडीशन है, ये फर्स्ट टाइम सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है, तो उस कंडीशन में ये लूप स्किप हो जाएगा और आगे वाला लूप, आगे जो भी स्टेटमेंट है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। इनिशियली क्योंकि आई की वैल्यू जीरो है और अपने लूप जे पर जो लूप स्टार्ट हो रहा है वो जे इक्वल टू जीरो से जे लेस देन आई के लिए स्टार्ट हो रहा है। जे लेस देन आई, जे भी जीरो है, आई भी जीरो है, मतलब दोनों ये कंडीशन असत्य हो गई, फॉल्स हो गई, और इस तरह से ये पहली बार में ये लूप नहीं चलेगा। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये दो एग्जांपल साथ में आ गए तो दोनों को अलग कर लेते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें एन एक नंबर रीड कर रहे हैं, फिर एक लूप चल रहा है आई पर आई लेस देन एन के लिए, दूसरा लूप आई लेस देन जे लेस देन एन माइनस आई तक के लिए, मतलब और वो स्टार प्रिंट कर रहा है। मतलब आई की वैल्यू जीरो है तो ये एन स्टार प्रिंट करेगा, फिर पुट्स मतलब न्यू लाइन में चला जाएगा, फिर आई की वैल्यू वन होगी तो ये एन माइनस वन, एन की जो भी वैल्यू देंगे उससे एक कम स्टार प्रिंट होगा। इस तरह से ऊपर वाली रो में एन स्टार प्रिंट होंगे, बाद में एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड सो ऑन, लास्ट रो में एक स्टार प्रिंट होगा। कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइल हो रहा है, रन करने पर साइज देने का है 6 देने पर, ये पहले रो में 6 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, दूसरे में 5, तीसरे में 4, चौथे में 3, पांचवे में 2 और छठे रो में 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। हम दोबारा रन करके 10 देकर देखें तो यहाँ भी पहले रो में 10 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 3 3 6 + 4 10, दूसरे रो में 9 स्टार हैं, तीसरे रो में 8 स्टार हैं, चौथे रो में 7 स्टार्स हैं, पांचवे रो में 6 स्टार हैं, छठे रो में 5 स्टार हैं, सातवें रो में 4 स्टार, आठवें रो में 3 स्टार, नौवें रो में 2 स्टार्स और 10th रो में कोई 1 स्टार है।
हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर भी n को रीड किया गया और जो प्रोग्राम हम देख रहे थे i इक्वल टू जीरो टू n चल रहा है। फिर पहला लूप है जो j लेस देन i तक के लिए स्पेस प्रिंट करता है, सिंगल स्पेस मतलब i की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही स्पेस प्रिंट करेगा। और उसके बाद दूसरा लूप है जो स्टार प्रिंट करता है, जो n और i की जो वैल्यू होंगी उनके डिफरेंस के डबल से एक कम स्टार प्रिंट करेगा। इसका आउटपुट देख लेते हैं, कंपाइल हो गया, रन, यहाँ 10 इनपुट में दिया एग्जैक्टली वैसा ही जैसा वहाँ पर आउटपुट में दिखाया गया था, वैसे स्टार प्रिंट हो रहे हैं। हम दोबारा रन करके देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू 7 देते हैं तो थोड़ा छोटा ट्राइंगल आ गया है, एग्जैक्टली वैसा ही ट्राइंगल हमें आउटपुट में देखने को मिल रहा है। कुछ एग्जांपल्स जो फॉर स्टेटमेंट को यूज करते हैं, तो हमें जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। एक क्वेश्चन है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, वो 1000 रुपये है, ब्याज की दर रेट 0.05 है, मतलब 5% है, तो उसका 1 साल से लेकर 10 साल तक कितना चक्रवृद्धि ब्याज से कुल राशि कितनी बनेगी वो कैलकुलेट करनी है। उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट टाइम्स 1 + रेट टू द पावर ईयर। तो ये फॉर्मूला, यहाँ एक लूप ईयर पे लगाया, ईयर इक्वल टू 1, ईयर लेस देन इक्वल टू 10, ये इंक्रीमेंट कर दिया, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम्स POW 1 + रेट, ईयर, और बाद में उसको प्रिंट कर दिया। इसका हम आउटपुट देखें तो ये आउटपुट आता है ईयर के नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल अमाउंट कितनी बनती है वो प्रिंट हो रही है। यहाँ पर POW क्या है, तो POW एक फंक्शन है जो x रेज टू द y पावर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब POW में हम x, y लिखते हैं, इसका मतलब होता है x की पावर y। यहाँ पर अपने फंक्शन में हम 1 + रेट की पावर y लिख रहे हैं, इसलिए 1 + रेट, y लिख दिया, इसलिए POW फंक्शन है वो 1 + रेट टू द पावर y को कैलकुलेट कर देगा। ये जो फंक्शन है ये इनपुट के रूप में डबल प्रिसीजन वेरिएबल्स को इनपुट में लेता है और रिटर्न भी डबल करता है। मतलब हमने जहाँ इस फंक्शन को काम में लिया वहाँ एक डबल वैल्यू होगी और ये जो इनपुट हैं ये दोनों भी डबल वेरिएबल होंगे। डबल कुछ नहीं होता, एक फ्लोट जहाँ जैसे हम काम में लेते हैं वैसा रियल नंबर होता है, बस उसका प्रिसीजन ज़्यादा होता है, उसकी रेंज ज़्यादा होती है। फ्लोट में हम 10^38 तक ही कैलकुलेट कर पाएंगे, इसमें 10^200 तक भी हम कैलकुलेट कर सकेंगे, तो इसमें कैलकुलेशन की परास बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन की सीमा बढ़ जाएगी, हम बड़ी सीमा तक कैलकुलेट कर सकते हैं। POW जो फंक्शन है वो मैथ लाइब्रेरी का फंक्शन है, इसलिए जब भी आप POW काम में लो तो आपको यहाँ पर इंक्लूड math.hb करना है, मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है। यहाँ पर प्रिंट करते समय फॉर यू प्रिंट किया है, कन्वर्जन स्पेसिफायर में परसेंटेज फॉर यू और एंड परसेंटेज 21.2f लिखे हैं। परसेंटेज फॉर यू का मतलब एक अनसाइंड इंटीजर है जिसको 4 डिजिट्स में प्रिंट करना, 4 स्पेसेज में प्रिंट करना है, और 21.2f में 21 का मतलब एक f का मतलब एक फ्लोट नंबर रियल नंबर है जिसको 21 डिजिट्स 21 स्पेसेज में प्रिंट करना है, और 0.2 मतलब उसमें दशमलव के बाद में 2 डिजिट आनी चाहिए। हम यहाँ फोर यू की जगह यदि -4u लिख देते हैं तो जो आउटपुट आ रहा है वो लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट अलाइंड आएगा, लेफ्ट जस्टिफाइड आएगा। मतलब पहले हमने एग्जांपल में देखा यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ये राइट अलाइंड आ रहे थे, राइट साइड से अलाइंड, इस बार ये लेफ्ट साइड में अलाइंड आ रहे हैं, तो लेफ्ट जस्टिफाई करने के लिए परसेंटेज और कन्वर्जन स्पेसिफायर में परसेंटेज जस्ट बाद में हम माइनस लगा देते हैं। हम ये एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये
जैसा प्रोग्राम दिखाया था वैसा प्रोग्राम है। ईयर इक्वल टू वन, ईयर लेस देन टेन, प्लस प्लस ईयर के लिए फॉर लूप स्टार्ट किया है, बाद में अमाउंट को कैलकुलेट किया, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम्स वन प्लस रेट टू द पावर ईयर, यूजिंग पावर फंक्शन काम में लिया है, कॉरस्पॉन्डिंग मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया है, और प्रिंट स्टेटमेंट में परसेंटेज फॉर यू ईयर के लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर है, परसेंटेज 21.2f अमाउंट के लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर है। इस तरह से ये प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है। कंपाइल और रन करके देखें। तो यहाँ कंपाइल करने के लिए हमें माइनस lm लगाना पड़ेगा, जब मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं तो माइनस lm लगाना पड़ता है। ये आउटपुट एग्जैक्टली जैसा हम कर रहे थे वैसा आउटपुट आ गया है। हम एक चेंज और करके देख लेते हैं, यहाँ माइनस लगा कर देख लेते हैं आउटपुट में क्या चेंज आता है। तो पहले अपना आउटपुट था ये, जिसमें ये ईयर जो है 1, 2, 3 ये सारे राइट अलाइंड है, राइट साइड में अलाइंड है। अब हम फिर से कंपाइल करके रन करते हैं तो ये लेफ्ट अलाइंड आते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं आता, इनका अलाइनमेंट लेफ्ट में हो गया है।